बेगम जान। जी हाँ, बेगम जान। मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा मेरी माँ मुझे वहां छोड़ आई। अब सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ, लिहाजा मेरे सोने का इंतजाम भी बेगम जान के कमरे में किया गया। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आज भी वो दिन याद करती हूँ तो वो मुझे मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो भूत सवार था। मेरा ये हाल ना चीखा जाए ना रोया जाए। कुछ देर में वो सो गई। उन्हें सोता देख मैं झटपट भागी। अब तो उनके कमरे में जाने से भी डर लगता था। मैं सारा दिन बाहर घूमती रहती या अपने मामा के पास रहती। वो मेरी जिंदगी का एक बुरा सपना थी, पर क्या मैं इस बुरे सपने को अपनी जिंदगी भर भूल पाऊंगी?